Aldol condensation reaction is the characteristic feature of carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं, एक एल्डिहाइड होता है, दूसरा कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए ये रिएक्शन कुछ खास रिएक्शन है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन ये है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के पास अल्फा एच का होना, कम से कम एक अल्फा एच का होना जरूरी है। अब सर अल्फा एच क्या होता है? तो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन जो भी होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा और उस पर अटैच एटम कहलाएगा अल्फा एच। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये अल्फा कार्बन है। सो दिस एल्डिहाइड कंसिस्ट्स ऑफ 3 अल्फा एच। अब बात करते हैं कीटोन। तो कीटोन से नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो अल्फा होगा और आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों अल्फा कार्बन पे तीन तीन अल्फा एच है, तो इसके अंदर भी अल्फा एच है और ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा। वैसे तो मेनली नाम से ही चल रहा पता है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्डिहाइड्स। लेकिन कीटोन भी देते हैं, कोई भी ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एक अल्फा एच होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन जरूर देगा। आइए देखते हैं। Carbonyl compounds having at least one alpha H atom undergo condensation in presence of dilute alkali. आइए देखते हैं क्या होता है aldol। तो ये देखिए aldehyde, इसके अंदर alpha H है, तीन तीन alpha H, इसके दो molecule आपस में condense होते हैं इस form में, dilute NH की presence में reaction जाता है और बनता है aldol। aldol क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस reaction में देखिए, इस compound में दो functional group लगे हैं, एक लगा है CH जिसको बोलते हैं aldehyde और दूसरा लगा है OH जिसको बोलते हैं alcohol ol। तो देखिए एल्डिहाइड और ओल दो ग्रुप है, कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एल्डोल। अब बात करते हैं कि अगर एल्डोल को हीट किया तो आप देखेंगे बीटा से OH और अल्फा पोजीशन से H, यहां से H और यहां से OH वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और इन कंपाउंड विल बी नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ गया है। अब बात करते हैं कीटोन कैसे देगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो आप देखिए इस कीटोन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि अल्फा एच डिस्कस किया था अभी और यहाँ पे देखिए डाइल्यूट एनएच की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं तो बनता है कीटोल। भाई कीटोल क्यों बोल रहे हैं? आप देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है और एल्कोहलिक लगा हुआ है, नाम हो गया कीटोल। आगे बढ़ते हैं, अगर इसको प्रोडक्ट को हीट करते हैं तो अल्फा पोजीशन से एच और बीटा पोजीशन से OH, देख पा रहे हैं आप, बीटा से OH और अल्फा से एच वाटर फॉर्म में बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा डबल। अब इस कंपाउंड को सिंपली बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या सिंपली बोल सकते हैं ईनोन, क्योंकि कंपाउंड के अंदर कीटोनिक ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, तो कॉमनली कई बार इसको ईनोन भी बोलते हैं। ऑफ एल्डोल कंडीशन जो होता है वो तीन स्टेप में होता है। पहले स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका एल्डिहाइड था वहां पर अल्फा कार्बन से एक एच को बेस आपका निकाल लिया था। बेस का काम होता है एच प्लस प्रोटोन निकालना। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस वाले अल्फा कार्बन पर गए और जब इस पर ये चले जाएंगे तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा? माइनस आएगा। इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर दीजिए जी। अब देखिए तो यहां से OH माइनस CH प्लस बाहर निकलेगा, अभी बॉन्ड टूट चुका है, इलेक्ट्रॉन यहां जा चुके हैं, अब ये वाटर फॉर्म में बाहर आ जाएगा, CH2 पे माइनस चार्ज आएगा जिसको आप बोलते हैं कार्बन आयन। और कार्बन आयन जो होता है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, आप देख रहे हैं A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C लोन पेयर, ड्यू टू कॉन्जुगेशन ये इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार ये पूछ सकता है कि यहाँ पे बनने वाला इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन आयन या फिर इनोलेट। एक ही बात है, कार्बन आयन जो होता है वो रेजोनेंस की वजह से इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन रिएक्शन में जो अटैक करता है वो कार्बन आयन ही अटैक करेगा। तो आइए देखते हैं स्टेप टू। स्टेप टू में लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। ये दूसरा मोल था, आपने कहा था कि स्टार्टिंग में हमने दो मोल लिए थे एल्डिहाइड के, ये दूसरा मोल होगा और दूसरे मोल पर ये जो कार्बन आयन है ये जो है ये कार्बन आयन अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि उसकी नेचर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर में होता है तो ये यहाँ पर अटैक करता है और इससे बन जाता है एल्कोक्साइड आयन। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड में देखिए एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एच प्लस फ्रॉम वाटर। पहले स्टेप में जो वाटर निकला था वो वाटर से ये एच आयन को ले लेता है। देखिए यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन ने यहाँ से H प्लस लिया और यहाँ से OH माइनस को बाहर निकाल दिया। अब जो ये कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं एल्डोल। क्लियर है आपको?